बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर बीइंग इन टच विद मी। इन टुडेज लेक्चर आई विल लेट यू नो दैट हाउ टू यूज गूगल स्कॉलर। जैसे कि आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज एंड पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज आर यूजिंग गूगल आर याहू वगैरह वगैरह, तो आज के बाद आप अपने जो है ना वो रिसर्च के लिए कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो गूगल को स्टॉप करें और गूगल स्कॉलर यूज़ करें। गूगल स्कॉलर scholar.google.com सिंपल तरीका है। इसी पे अगर आपने सर्च करना है तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक है आर्टिकल, दूसरे है केस लॉ। अगर आप आर्टिकल ढूंढना चाहते हैं, आप अपनी फील्ड में किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं और आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप लिखे साल के तौर पर मिले लीडरशिप चैलेंजेस एंड बैंकिंग सेक्टर्स। अच्छा, ये मैं अभी तलाश कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं। हाँ, 7 लाख से ऊपर रिकॉर्ड आ रहा है, तो आपने इसको नैरो करना है। नैरो करने का ये तरीका है कि पहली बात कि आप मोस्ट साइटेड आर्टिकल तलाश करना चाहते हैं या पेटेंट्स तलाश करना चाहते हैं या साइटेशंस के मुताबिक तलाश करना चाहते हैं या सॉर्ट बाय डेट। अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल्स या बुक चैप्टर वगैरह तलाश करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सॉर्ट बाय डेट। सॉर्ट बाय डेट में ये होता है कि जो लेटेस्ट वर्क है और इसी फील्ड में हो चुका है तो वो 150 रिजल्ट तक महदूद हो गई। अगर आप चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड मेरे लिए कम है और आप इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें सिंस 2023। 2023 में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हो गए बैंकिंग सेक्टर में या लीडरशिप चैलेंजेस पे, ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए 16,500 तक। अगर आप मजीद इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं या लिमिट रखना चाहते हैं कि नहीं, 1 साल की काफ़ी नहीं है, मैं कुछ पुराने साल्स को भी जो है ना पुराने सालों को भी कवर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखें कस्टम रेंज। कस्टम रेंज में आप ये लिख सकते हैं कि 2020 से लेकर 2023 तक मुझे इस पे डेटा चाहिए, तो ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 84,600 रिजल्ट आ जाता है। आप इसमें से रिसर्च का तरीका ये है कि जो मोस्ट साइटेड आर्टिकल्स हो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो आप इसको प्रेफर करें क्योंकि क्वालिटी रिसर्च वही होती है जिनको बहुत ज़्यादा लोगों ने साइट किया हुआ होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज के बाद आप गूगल को अवॉइड करें। गूगल स्कॉलर में एक क्वालिटी ये है कि मुख्तलिफ डेटाबेसिस से डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है आज के बाद आप गूगल स्कॉलर यूज़ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एनी टाइम तो इसमें यह है कि आपका तादाद वही 7 लाख से ऊपर चला जाता है। तो आज के बाद अथेंटिक चीज़ें ढूंढना हो तो साइटेड बाई जो ज़्यादा साइटेड किए गए आर्टिकल्स हो या चैप्टर्स हो या रिपोर्ट्स हो, आप इसी को प्रेफर करें, अपने रिसर्च का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।